फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए घर संसार वास्तु शास्त्र को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो को सबसे पहले। पूजा तो बहुत लोग करते हैं, यह एक जीवन की नियमित प्रक्रिया है और हमारे संस्कार भी। भगवान की मूर्ति रखने और पूजा करने से घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है, पर हर मूर्ति आपको सुख व समृद्धि नहीं देती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कुछ प्रकार की मूर्तियों को रखने से आपके जीवन में कई तरह के कष्ट और दुख आ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आपको क्या करना है अपने पूजा घर में। आप अपने पूजा घर में ये कभी ना करें। कई लोग घरों में टूटी हुई मूर्ति को रखते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार खंडित मूर्तियों के दर्शन और पूजा का कोई भी फल नहीं मिलता है, अपितु अपशकुन होने की संभावना भी रहती है। मंदिर में किसी भी ऐसी मूर्ति या देवता के दर्शन नहीं करने चाहिए जिसमें वे युद्ध कर रहे हों। इससे इंसान का स्वभाव गुस्से वाला और हिंसात्मक बनता है। देवी देवता की मूर्तियों के मुख मुस्कुराता और हाथ आशीर्वाद देने वाली मुद्रा में होनी चाहिए। उदास व गंभीर मुद्रा वाली मूर्तियां आपके ऊपर गलत असर डालती हैं, जिस वजह से नकारात्मकता आती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा वाले मंदिर में एक ही देवता की दो तरह की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। ऐसा रखने से घर में कलेश व झगड़ा बढ़ता है और आपस में तनाव बना रहता है। अपने घर के पूजा घर में बड़ी बड़ी मूर्तियां न रखें। घरों में छोटी मूर्तियां ही रखना शुभ माना जाता है। तो ये थे फ्रेंड्स अपने पूजा घर में भूलकर भी ना रखें ये मूर्तियां। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि इसी तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। अपने घर और आसपास की सफाई रखें, सकारात्मक सोचें और खुश रहें। धन्यवाद।